बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फास बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 32 है, प्रेप 6 में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। एक्सरसाइज 5.3 चल रही है हमारी। हमने पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, आज हम इंशाल्लाह पार्ट बी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमने पहले यूनिट के साथ मल्टीप्लिकेशन को सीखा, फिर यूनिट टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन को सीखा, फिर यूनिट 1000 को मल्टीप्लिकेशन के साथ सीखा, अब साथ में 1000 भी है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के तमाम सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको टेबल्स अच्छी तरह से याद हों। 9 का टेबल पढ़ना है आपको 5 तक पहले, फिर 9 का टेबल आपको पढ़ना है 2 टाइम्स, फिर 9 का टेबल आपको पढ़ना है 7 टाइम्स, फिर इसी तरह से सेकंड नंबर्स के साथ आपको मल्टीप्लाई आपको टेबल्स को पढ़ना है। 1 का टेबल पढ़ना है 5 टाइम्स, 1 का टेबल पढ़ना है 2 टाइम्स, 1 का टेबल पढ़ना है आपको 3 टाइम्स। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले 9 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ते हैं। 9 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ूंगा, 9 5 45, 4 and 5, ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए, ये यूनिट प्लेस है और ये आगे कैरी हो जाता है। 5 यूनिट प्लेस पे लिख दिया, 4 आगे हमने कैरी लगा दिया है। 9 5 45, अब 9 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ें। 9 1 आर 9, 9 2 आर 18, 18 में 4 को आपको ऐड करना है आगे, 18 के बाद आप 1 2 3 4, 18 के बाद आप 4 प्लस कर लीजिए, 19 20 21 22 22, आपके पास फिर दो नंबर आ गए 22 22 का 2 जो है ये आपने यहाँ लिखा, और ये वाला 2 अगले नंबर पे हम कैरी लगा देंगे 2 22। अब 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है हमें, 9 7 63 63 में हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर लेंगे, 64 65, तो हम 65 कंप्लीट यहाँ लिख लेंगे क्योंकि आगे नंबर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होता तो ये 6 हम ऊपर कैरी लिख लेते और 5 यहाँ नीचे लिखते। 9 के साथ 9 5 45, 9 2 18, 19 20 21 22 22, 9 7 63, 64 65 65। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम एक साइन लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई का। अब 1 का टेबल आप पढ़िए, 1 5 5, 1 2 2, 1 7 7। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर्स आपस में हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। आइए हम ऐड करने चलते हैं, इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, फाइव में कुछ भी ऐड नहीं करूंगा तो 5 एज इट इज रहा, 2 में 5 ऐड करूंगा, आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं और लाइंस ड्रॉ करके भी आप कर सकते हैं। 2 लाइंस आपने पहले ड्रॉ की, फिर 5 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 5 में 2 ऐड करें या 2 में 5 ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास 7 ही आना है। 6 and 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ओके स्टूडेंट्स, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 and 1 यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, रिजल्ट हमारे पास आया 13,775। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? ये हमारा रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है।
और अब जो हमने ये सारी चीज़ें लिखी हैं इसको आप पेंसिल से जो आप काम करेंगे इसको इरेज कर लीजिएगा रबड़ से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो जितने भी आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं या आपने, हम सिर्फ आपको ये लिखने के लिए, समझने के लिए हम ये सारे लाइंस ड्रॉ करते हैं, और ये 45 इस तरह से जो हमने लिखी हैं ये तमाम चीज़ें हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं, ओके स्टूडेंट्स। जब आप ये काम कर लें तो आप इसको रब कर दिया करें। नाउ ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 119। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 119 एक्सरसाइज 5.3। पेज नंबर 119 को शुरू करने से पहले हम प्रीवियस वर्क आपसे शेयर कर लेते हैं। पहले रिजल्ट 14, 72, 128, उसके बाद 90, 70, 55, 144, 135, 148, 65, 84, 84, 117, 28, 114, 90, 51, 90, 181, 90, 180, ओके स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह से काम किया होगा। बी क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय डायरेक्ट टेबल। किस तरह से हम इसको करेंगे स्टूडेंट्स देखिएगा, जैसे हमने आपको बात समझाई, 8 9 72, 72, 8 3 24, 24 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 को आप ऐड कर लीजिए 24 के बाद, 25 26 27 28 29 30 31 31 का 3 यहाँ पर हम आगे लेकर जाएंगे नंबर्स में, और 31 को यहाँ पर हम लिखेंगे। 8 8 64 64 के बाद 3 ऐड कर लीजिए, 1 2 3 64 के बाद 65 66 67 67, ओके। इस लाइन को इग्नोर कर दीजिए, सेकंड से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखते हैं, 1 9 9 1 3 3 1 8 8, ओके स्टूडेंट्स। ऐड कर लेंगे हम इन दोनों नंबर्स को, 2 9 में 1 में 9 प्लस कर लीजिए, 10 का 0 1 यहाँ पर कैरी, 1 7 8 9 10 11 का 1, फिर यहाँ 1 1 और 6 ये हमारे पास हो गए 7 7 में 8 प्लस कर लीजिए 15, ओके स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा समझ लीजिए, 8 9 72 72 का 7 यहाँ पर हम लिखेंगे और 2 यहाँ पर, इस तरह से 8 3 24 24 में 7 को मैं ऐड करूँगा तो 31 31 का 3 कैरी और 1 यहाँ पर, 8 8 64 64 में 3 ऐड करूँगा 67। सेकेंड से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम यहाँ मल्टीप्लाई लिखते हैं, 1 9 9 1 3 1 8 8, 2 अपनी जगह पे आ गया, 2 में कुछ ऐड नहीं करना, 1 में 9 ऐड करें, 10 10 का 0 1 यहाँ पर, 1 और 7 8 9 10 11 का 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 6 7 और 8 15। ये पार्ट्स आप होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। ये सर्कल है, इसके लिए वही है मल्टीप्लिकेशन सर्कल, एडिशन सर्कल और सब्ट्रैक्शन का सर्कल हम कर चुके हैं, अब ये मल्टीप्लिकेशन का है, कंप्लीट द गिवन मल्टीप्लिकेशन वेव्स। टेबल याद हो आपको तो आप इजीली कर सकते हैं, 11 1 11 11 2 22, इसी तरह से आप 15 2 15 1 15 15 2 30 15 3 45, टेबल याद होंगे तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास 20 का टेबल है, 21 20 22 40, ओके स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है ये पेज भी आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको कंप्लीट करें, आपका होमवर्क मैं कम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं और ये 3 सर्कल्स हैं छोटे छोटे से, टेबल्स याद होंगे तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तमाम काम को आप जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लीजिए, टेबल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।